बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल ब्यूटी फैमिली, कैसे आप सब। वेलकम करती हूँ आपको फिर से एक बार खतीजा इन्फो के न्यू घर में। जी हाँ बिल्कुल, आज हम फिर से यानी कि अपने घर में आए हैं और देखने के लिए आए हैं कि कितना यानी कि घर बना है और कितना बाकी है। कुछ दीवारें जो हैं काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। जो दीवारें काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं, आज ज़रा अंदर चलती हैं, अंदर के मैं थोड़े से नज़र आपको दिखाती हूँ। क्या आपको पता है ये हमारा बेडरूम है, ये तकरीबन इसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं, तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब जो है छत की बारी है, तो जी जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है इकट्ठी एक ही मरतबा जो है छत आएगी ऊपर, यानी कि इतना तो सबको पता ही होता है। ये देखें ये वाली दीवार जो काफ़ी छोटी थी, अब ये थोड़ी सी और ऊपर चली गई है। और इसके साथ ही जो है ये सामने जो है अटैच वाशरूम आपको नज़र आ रहा है, इसकी भी तकरीबन दीवारें कम्प्लीट हो गई हैं और इसकी जो छत है वो भी डल गई है। मैं आपको ज़रा क्लोज से दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इसकी जो छत है हमने पहले इसलिए डलवा ली है क्योंकि यहाँ पे सामने जो है हमने अलमारियों का सिस्टम रखा है। बेडरूम में जो है एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो हम सामान जो है अलमारियों में शिफ्ट कर देंगे। और जी इसके यानी कि जो छोटी छत है जो पहले यानी कि डलेगी वाश में वो डल गई है यहाँ पर, ये देखें। और जो ऊपर वाली छत है जो बिल्कुल फ्रंट वाली होती है तो वो यानी कि बाद में डलेगी। मैं आपको ज़रा क्लोज से करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे छत जो है बहुत यानी कि बिल्कुल छोटी सी यानी कि छत नीचे नीचे यानी कि डल गई है। इसके ऊपर एक और छत आएगी जो उसमें बीच में जगह यानी कि जो गैप था, अगर यानी कि जो मिस्त्री हैं उन्होंने हमें बताया कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए यानी कि उसमें हमने अलमारियाँ बनवा ली हैं। तो ये सात सौ रूम है, अभी तो फ़िलहाल यानी कि काम जो है रुक गया है, अभी ये रूम जो है बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है मैं इधर आई हूँ अपने घर में, तो यहाँ पे बैठकर जो है मैंने सोचा है कि आज जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए और आपसे कुछ बातें शातें भी हो जाए। फ्रेंड्स काम रुक गया है, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, लेकिन कोशिश यही है कि यकम से जो है इंशाल्लाह फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा आप सबकी दुआओं के साथ। मैंने यहाँ से जगह जो है साफ़ कर लिया, यहाँ पे चारपाई मैं डालूंगी और मैंने दीवारों को पानी वगैरह भी लगा दिया है। ये देखें आप मेरे हाथ में जो है
आज यानी कि भाई देख रहे हैं, मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ पर भी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हवा चली हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी चारपाई डाल के हम इधर बैठेंगे और जो है फिर आपसे थोड़ी गपशप हो जाएगी। तो मैं चार तो जी फाइनली मैं अपने घर में आ गई हूँ। यानी कि मैंने यानी कि हमने सफाई सफाई की है यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा सामान हटा दिया है। बहुत दिल कर रहा था यहाँ आने के लिए। काम तो फिलहाल यानी क्लीनिंग वालों को भी टाइम दिया हुआ है, जो छतें यानी कि छतें सेट करेंगे उसके बाद जो है तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए उनको टाइम दिया जाएगा सूखने का। उसके बाद जो है वो कम्प्लीट तैयार हो जाएंगी। तो इसके साथ ही थोड़ी सी बचपन की यादें भी ताज़ा कर लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में आप मैंगो देख रहे हैं, यानी कि आम। हाँ जी बिल्कुल। तो जी आम भी खाते हैं और आपसे बातें चाहते भी होंगी और बचपन में हम आम कैसे खाते थे और अब कैसे खाते हैं। तो जी बचपन में जब हम आम खाते थे, आपको पता है कि कुछ भी ख्याल नहीं होता था और जो है बिल्कुल क्रेज़ी यानी कि पागलों की तरह। तो जी मैं आज आपको आम खा के दिखाती हूँ कि मैं आम कैसे खाती हूँ। जैसे कि आपको पता है आम का सीज़न है और तकरीबन आम जो है फलों का बादशाह है, वो हर किसी को ही पसंद, तो हर किसी को ये आम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जी बस घर का यानी कि मुझे इंतज़ार है कि अल्लाह करे जल्दी से घर बन जाए। तो जी मेरी सिर्फ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है और वो ये है कि आपने जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट आपकी दुआएं चाहिए और जो है आपकी सपोर्ट चाहिए, बस इतना सा ही। यानी कि हो सकता है आपके सब्सक्राइब से यानी कि किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो है आपको अल्लाह ताला उसका अजर देंगे। तो जी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। तो जी और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दुआ है, बस दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला मज़ीद हर बंदे को कामयाबी अता फरमाएं, आमीन। तो जी इसी के साथ ही मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।